अम्बाला के मॉडल टाउन सब डिवीजन में कार्यरत एसडीओ सी और क्लर्क के खिलाफ बलदेव नगर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। यूनियन के बैनर तले बिजली कर्मचारी अम्बाला पुलिस के खिलाफ पिछले 6 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिजली कर्मचारियों पर सीएम विंडो की शिकायत को शिकायतकर्ता के फर्जी हस्ताक्षर कर डिस्पोज ऑफ करने के और रिश्वत मांगने के आरोप है। इस मामले में एचएसईबी वर्कर यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल डीएसपी हेडक्वार्टर से मिलने पहुंचा, जहां उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग रखी। यूनियन नेताओं का कहना है कि हमारी मांग है कि रिश्वत के आरोप लगाने वाले से सबूत मांगे जाएं, साथ ही शिकायतकर्ता के हस्ताक्षरों की जांच फोरेंसिक लैब द्वारा की जाए। यूनियन नेताओं ने साफ तौर पर चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि अगर जल्द ही ये एफआईआर रद्द नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज डीएसपी हेडक्वार्टर मोदे से हमारी बात हुई है, जो हमारा बिजली बोर्ड का धरना है, और उसमें हमने कुछ तथ्य दिए हैं कि एक तो जो 10,000 रुपये की रिश्वत का आरोप है, तो जो आरोपी है, जिसने आरोप लगाए हैं, उससे प्रमाण मांगे जाएं। तो प्रमाण तो प्रस्तुत करें, आरोप तो लगाना सबसे आसान काम होता है। दूसरा, हमने हस्ताक्षर जो झूठे फर्जी का जो उसने आरोपी ने आरोप लगाया कि फर्जी हस्ताक्षर है, तो हमने इसमें मांग की है कि इनकी जो है फोरेंसिक लैब से जाँच कराई जाए, ताकि जो है झूठ का और जो है सच का जो है ना दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और तीसरी जो चीज़ है, बब्याल सब डिवीजन में जो पोस्टेड हमारे सीए के होने का जो झूठा आरोप है, वो भी झूठा है। तो हमने डीएसपी साहब को पूरा चरणबद्ध तरीके से एक एक पॉइंट हमने क्लियर किया है कि बब्याल में कभी वो पोस्टेड नहीं थे, आप उनका सर्विस रिकॉर्ड जरूर चेक करवाएं। इसके अलावा जो है, हमारे सीए ने जो है पहले 20/9/2022 को, आज 10वां दिन है माल्टन सब डिवीजन में हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज हमने एसपी साहब से मीटिंग रखी थी, वो किसी कारणवश यहाँ नहीं है, तो डीएसपी हेडक्वार्टर से आज हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने हमारी जो विचार हैं, जो हमारी बात थी, उसको बड़े ही अच्छे ढंग से सुना है और पूरा समय देके हमारी जो बात को है वो सुना है। उन्होंने हमें खुद आश्वासन भी दिया है कि जो आपकी कर्मचारियों के प्रति जो मांग रखी गई है, उसको जल्द से जल्द निबेड़ा जाएगा और बहुत किसी भी तरह की कोई भी कुष्ठाधार या गलत निर्णय नहीं लिया जाएगा। जो कर्मचारियों के फेवर में होगा वही किया जाएगा और निष्पक्ष जांच करके ही इस एफआईआर को क्लोज किया जाएगा।